तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इस्कॉन टारगेट ओनली एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल्स। Why all the companies are targeting only people from IIM and IIT and all these things, hiring? उत्तर दीजिए प्रभु, कौन की जिनका प्रश्न है वो उत्तर दें। ये अंकित जी हैं कोई, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हाँ कौन के उत्तर ले लिखे दीजिए तो अंकित जी, उत्तर दीजिए कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो IIM और IIT के लोगों को ही क्यों टारगेट करती हैं, हायर करती हैं? उत्तर दीजिए। हाँ उनका कोई आंसर नहीं आ पा रहा है उनका। सिंपल सी बात है, ये लोग काम के आदमी होते हैं, है कि नहीं? कोई भी मिशन को आगे बढ़ाना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है तो हमें लीडरशिप चाहिए, उस तरह के विजनरी लोग चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो चीजों को आगे लेकर जाएंगे। तो अधर्म को बढ़ाने के लिए जिस तरह से इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से धर्म को बढ़ाने के लिए भी इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता है कि नहीं? यस या धर्म में उल्लू लोगों की जरूरत है? तो उल्लू लोग को, अगर आप धर्म धार्मिक संस्थाओं को उल्लुओं से भरेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आश्राम बापू या ऐसे लोग है ना, अगर करप्ट लोग आ रहे हैं वहां से, तो फिर आप ब्लेम क्यों करते हैं? तो आप खुद आएंगे नहीं, अच्छे लोग आएंगे नहीं, तो धर्म जो है वो बुरे लोगों के हाथ में फंस जाएगा, है? पढ़े लोग नहीं, लोग लिखे लोग नहीं आएंगे, एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे, इंटेलिजेंट लोग नहीं आएंगे, तो धर्म धर्म जो है वो मूर्खों के हाथ में फंस जाएगा, फिर उस धर्म से कैसे समाज का कल्याण हो सकता है? इसीलिए इस्कॉन जो है इंटेलिजेंट लोगों को टारगेट करता है, हमें कोई शर्म नहीं है इसमें कहने में, कोई कंपनी शर्म नहीं करती इस बात को कहने में कि IIM से उसने 10 लोगों को हायर करके आई है, ना ही उस कंपनी से कोई प्रश्न पूछता है। आप हमसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे को आश्चर्य है। आप कभी जाके और HP से प्रश्न नहीं पूछते कि IIM से 10 लोगों क्यों हायर किया आपने, IIM से क्यों आप हायर करते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरोप लगाने की आदत है, सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। उल्टा ही सोचते हैं, जब धर्म की बात आती है ना तो हमारा दिमाग उल्टा चलना शुरू हो जाता है, हर चीज पे डाउट करना, हर चीज पे शक करना, ये हमारी फितरत है धर्म में, धर्म के मामले में इसी की ट्रेनिंग मिली है बचपन से आज तक हमें, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए धर्म में अच्छा काम भी होता है तो उस पर डाउट करते हैं हम लोग, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इंटेलिजेंट लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं, हैं? ये तरह के प्रश्न जो हैं, वो ईर्ष्या के कारण लोग पूछते हैं, डाउट के कारण पूछते हैं, नेचुरली है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए इंटेलिजेंट लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? बड़ी कंपनी का CEO जो है वो गांव का आदमी होता है क्या, अनपढ़? उत्तर दीजिए प्रभु। तो इस्कॉन का जो टेंपल प्रेसिडेंट है, जो इतने बड़े टेंपल को चलाना है, तो वो सड़क छाप आदमी होगा, चलाएगा? क्या कहना है आपका? सिर्फ भी इंटेलिजेंट व्यक्ति ना। यस, व्हाट इज द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड प्रभु जी? हाँ, देश को तो आखिरकार अनपढ़ लोग ही चला रहे हैं। देश को अनपढ़ लोग चला रहे हैं, इसीलिए तो देश नरक में जा रहा है। क्या कहना है आपका? इसीलिए तो आपके देश की 70 साल आजादी के बाद भी आपके देश की 80% जनसंख्या गरीबी के नीचे है, गरीबी रेखा से। अब क्या कहना है आपका, बोलिए। कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना चाहिए पॉलिटिक्स में। हाँ, तो आना चाहिए पॉलिटिक्स में, नहीं पहले धर्म में आए उसके बाद पॉलिटिक्स में। हाँ, मतलब भाई पहले धर्म की वैकेंसी फिलअप होनी चाहिए, बाद में पॉलिटिक्स की। तो प्रभु जी, रास्ता यहीं से होते हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि अगर धर्म सही रहेगा तो पॉलिटिक्स को भी सही एक डायरेक्शन मिलेगा। प्रभु जी, धर्म के रास्ते पॉलिटिक्स पे जा सकते हैं? पहले धर्म फिर पॉलिटिक्स,
बिना धार्मिक ट्रेनिंग के पॉलिटिक्स में जाओगे तो चोर बन जाओगे। इसलिए पहले जितने राजा होते थे पहले गुरुकुल में जाते थे, 20 साल तक गुरु का आश्रम उनकी ट्रेनिंग होती थी, फिर जाके राजा बनते थे, है कि नहीं? यस और नो? जी। पहले धर्म की ट्रेनिंग, पहले सिद्धांत की ट्रेनिंग, पहले कैरेक्टर ट्रेनिंग, उसके बाद फिर जिम्मेदारी देनी चाहिए, है कि नहीं? If character is lost, then everything is lost. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, पहले भक्त बनो अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनो। Is that clear? तब जस्टिस कर पाओगे अपने पोस्ट पोजीशन से, नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह राजा बनोगे और पूरे देश को बर्बाद करोगे।